Hello everyone, today we are going to discuss about GMR and GMD. In today's topic, first we will cover GMR, which is also called as a self GMD, and then we will cover GMD or mutual GMD, then method for the calculation of GMD and GMR, inductance formula in terms of GMD. Then we will see some numerical problem. So what is the importance of GMD? GMD basically hum log use karte hain for the calculation of inductance and capacitance of the transmission line ko. Agar calculate karna hai to hum log GMD aur GMR ka concept hum log use karte hain. तो सबसे पहले हमें ये पता रहना था ज्योमेट्रिकल मीन. मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़े हैं द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ एन नंबर दैट इज़ ए वन टू ए एन इज गिवन बाय कैसे देते हैं ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री अप टू ए एन होल ब्रैकेट वन बाई एन. इसका मतलब ये है अगर हम लोग को जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है वन टू फाइव अगर इसका हमें ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है तो कैसे करेंगे तो टोटल n इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हुआ n इक्वल्स टू हो गया थ्री. दैट इम्प्लाइज अगर इसका ज्योमेट्रिकल मीन निकालेंगे तो क्या होगा तो जी एम इज इक्वल्स टू क्या होगा वन इंटू टू इंटू थ्री होल ब्रैकेट यहाँ पे n क्या है थ्री है तो ये होगा वन बाई. तो इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं कितना सिक्स वन बाई थ्री. और फर्दर हम लोग इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ सिक्स. तो अब जीएमआर क्या होता है व्हाट इज जीएमआर और सेल्फ जीएमडी. GMR क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस और सेल्फ ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस. इसको हम लोग सेल्फ ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस भी बोलते हैं. द ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रैंड्स ऑफ द सिंगल कंपोजिट कंडक्टर आर कैलकुलेटेड. ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रैंड्स ऑफ द सिंगल कंपोजिट कंडक्टर आर कैलकुलेटेड. मतलब तो हम लोग इसमें क्या निकालते हैं ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस. जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंगल कंपोजिट कंडक्टर मतलब इस कंडक्टर में हम लोग देख सकते हैं तो हम लोग अगर ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस निकालेंगे मतलब इस पर्टिकुलर कंडक्टर में ही निकालेंगे. इसके रिस्पेक्ट में रिटर्न कंडक्टर को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे ओनली एक ही कंडक्टर फॉर एग्जाम्पल गो कंडक्टर है यहाँ पे तो इसी कंडक्टर में हम लोग यूज़ करेंगे. तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग वन के रेस्पेक्ट में अगर लिखेंगे इसके इसके बीच का डिस्टेंस इसके 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 बीच का डिस्टेंस इसके इसके बीच का डिस्टेंस इसके इसके बीच का डिस्टेंस होगा. सिमिलरली इस पर्टिकुलर कंडक्टर के बीच में ही मतलब स्ट्रैंड्स के बीच का जो डिस्टेंस है ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे यूजिंग जीएमआर. और हमने जो हम लोग ने सिंगल फेस टू वायर लाइन में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है आर डैश. ये क्या है फिक्स्टिशियस कंडक्टर है अज्यूम टू हैव अ नो इंटरनल फ्लक्स बट विद द सेम इंडक्टेंस एज अ एक्चुअल कंडक्टर इट इज़ डिनोटेड बाय आर डैश इक्वल टू 0.7788 आर. तो ये हम लोग ने ऑलरेडी निकाला था जब हम लोग ने कैलकुलेट किया था लास्ट अगर लेक्चर देखोगे उसमें हम लोग ने जब हम लोग सिंगल फेस टू वायर लाइन का हम लोग ने कैलकुलेशन किया था तो उसमें हम लोग ने ऑलरेडी हम लोग ने ये टर्म निकाला हुआ है तो उसको आप लोग रेफ़र कर सकते हो. अब व्हाट इज़ जीएमडी. अब जीएमडी इन जीएमडी वी टेक द ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रैंड्स ऑफ द टू ट्रांसमिशन लाइन. और ये क्या है म्यूचुअल इसको हम लोग क्या बोलते हैं म्यूचुअल जीएमडी भी बोलते हैं. सिंपली रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट ज्योमेट्रिकल स्पेसिंग. तो इक्विवेलेंट ज्योमेट्रिकल स्पेसिंग हम लोग को अगर याद हो तो हम लोग ने जब अनसिमेट्रिकल थ्री फेस लाइन का जब अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग के लिए हम लोग ने कैलकुलेट किया था इंडक्टेंस तो उसमें ये टर्म आया था जहाँ पे कि हम लोग ने डी इक्वल्स टू हम लोग ने लिखा था रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ डी वन
डी टू डी थ्री डी थ्री, तो ये वाला टर्म वहाँ पे आया था, तो उसको आप देख सकते हो एक बार। अब ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस क्या बोल रहे हैं, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रैंड्स ऑफ द टू ट्रांसमिशन लाइन। मतलब अगर ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब इसके इसके बीच का दूरी कितना है, अगर वन के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ तो इसके इसके बीच का कितना दूरी है, इसके इसके बीच का कितना दूरी है, इसके इसके बीच का कितना है, इसके इसके बीच का कितना है। इसी सिमिलरली अगर हम लोग टू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, इसके इसके बीच का कितना दूरी है, इसके इसके बीच का कितना दूरी है, और इसके इसके बीच का कितना दूरी है, इसके इसके बीच की दूरी कितना है, इसके इसके बीच की दूरी कितना है। तो ये हम लोग का क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। और ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस क्या होता है, अगर हम लोग ने एक कंसिडर किया कंडक्टर वन, इसके इसके बीच का दूरी कितना है, वन और थ्री के बीच का कितना दूरी है, फोर के बीच में कितना दूरी है, एन के बीच में, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीन अगर हम लोग निकालेंगे तो ये पर्टिकुलर एक कंडक्टर के लिए होता है, जीएमआर, मतलब एक कंडक्टर के अंदर में जो स्ट्रैंड होता है उसके बीच का दूरी कितना होता है, तो वो कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जीएमआर। और अगर जीएमडी होता है, जीएमडी में क्या होता है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रैंड्स ऑफ टू ट्रांसमिशन लाइन, मतलब इन दोनों के बीच का जो स्ट्रैंड्स हैं, स्ट्रैंड्स क्या होता है, ये दिस आर नथिंग बट स्ट्रैंड्स, इन इनके बीच का क्या दूरी है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जीएमडी। होप यू हैव अंडरस्टैंड। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीएमडी। तो यहाँ पे हम लोग दो कंडक्टर दे सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या है, एज शोन इन द फिगर, वन कंडक्टर इज़ गो एंड अनदर कंडक्टर इज़ रिटर्न फॉर द करंट फॉर अ सिंगल फेस लाइन। तो हम लोगों ने सिंगल फेस टू वायर लाइन यूज़ किया है, जिसमें कि एक गो कंडक्टर है और एक है रिटर्न कंडक्टर। अब अगर हम लोग का टोटल करंट इन द कंडक्टर अगर फ्लो कर रहा है आई, तो इस कंडक्टर में पर स्ट्रैंड, मतलब इस ट्रेन में कितना करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा आई बाई, एंड सिमिलरली रिटर्न वाले में कितना फ्लो करेगा, रिटर्न वाले में फ्लो करेगा माइनस आई बाई एम। अब देखो, लेट हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया है डी वन वन इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ द गो एंड रिटर्न स्ट्रैंड। डी वन वन मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है, डी वन वन है। सिमिलरली डी वन टू क्या है, वन से लेकर यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, डी वन टू है। सिमिलरली डी टू वन कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ द गो, सेकेंड स्ट्रैंड क्या है, यहाँ से यहाँ तक का सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ द गो टू द फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ द रिटर्न, यहाँ से यहाँ का दूरी है। डी एन एम कितना है, यहाँ से लेकर डिस्टेंस फ्रॉम द एन एच स्ट्रैंड ऑफ द गो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एन स्ट्रैंड ऑफ द गो एंड द एम एच स्ट्रैंड स्ट्रैंड ऑफ द रिटर्न कंडक्टर। दस द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द एवव डिस्टेंस दैट इज जी एम डी, इट इज डिनोटेड बाई डी एम, इज गिवेन बाई रूट ओवर पहले डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू द वन कंडक्टर ऑफ द गो। तो क्या क्या है, डी वन वन डी वन टू, एक बार हम लोग देख लेते हैं फिगर में। तो फर्स्ट कंडक्टर मतलब डी वन वन डी वन टू डी वन थ्री डी वन फोर डी वन एम यहाँ तक होगा। सिमिलरली सेकेंड इन टू कितना होगा, टू टू वन टू 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 थ्री टू फोर टू एम, तो यही चीज़ क्या है, तो यहाँ पे क्या है, डी वन से डी वन एम तक है। सिमिलरली इन टू डी टू वन से डू टू टू एम तक है, उसके बाद डी थ्री से दिस एम तक है, और लास्ट क्या है, यहाँ पे कंडक्टर क्या है, इसके रेस्पेक्ट में कर करें तो क्या होगा, एन वन डी एन टू डी एन थ्री डी एन फोर डी एन एम तक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम इन टू एन रूट ओवर डी वन वन डी वन टू वन एम, सिमिलरली
इसका सिमिलरली 3 के रेस्पेक्ट में, सिमिलरली कंडक्टर 4 के, स्ट्रैंड 4 के रेस्पेक्ट में, सिमिलरली स्ट्रैंड 5 के रेस्पेक्ट में, अप टू एन। लास्ट टर्म क्या है? एन। अब क्या है मेथड टू कैलकुलेट? अब क्या है मेथड टू कैलकुलेशन, मेथड ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ जी एम आर ऑफ द कंपोजिट कंडक्टर। फॉर कैलकुलेटिंग द जी एम आर, फर्स्ट वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स। दस इफ देयर इज एन एन स्ट्रैंड्स इन द कंपोजिट कंडक्टर, देन ऑब्वियस देयर विल बी अ एन स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रैंड्स। तो इसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसमें जी एम आर क्या निकालते हैं पर्टिकुलर एक ही कंडक्टर में, तो हम लोग का क्या होगा, क्या अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस, तो वन के रेस्पेक्ट में 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 यही रहेगा। सिमिलरली अगर हम लोग टू के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो टू के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या होगा, 2 × 2, 1, 2, 3, 2, 4 × 2n। सिमिलरली अगर हम लोग थ्री के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या होगा, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3n, मतलब इस पर्टिकुलर कंडक्टर में ही निकालेंगे। गो। तो कैसे देते हैं जी एम आर, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दस इफ देयर इज एन नंबर ऑफ स्ट्रैंड द कंपोजिट, देन ऑब्वियस देयर विल बी एन स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन दी स्ट्रैंड्स। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग इस कंडक्टर में देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, एन स्क्वायर होगा। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, एन स्क्वायर होगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रूट ओवर एन स्क्वायर आर डैश इंटू D11, D12, D13, D1n। सिमिलरली आर डैश इंटू D21, D22, D23, D2n। सिमिलरली आर डैश इंटू DN1, DN2, DN-1n। तो लास्ट टर्म क्या है, n है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या रहेगा, तो n1 होगा, n2 होगा, n3 होगा, n4 होगा, एंड एन माइनस वन तक। तो यहां पे आर डैश क्या है, आर डैश क्या है फॉर फॉर D11 कंडक्टर, मतलब D11 के लिए क्या होगा, आर डैश होगा। सिमिलरली D22 के लिए क्या होगा, D22 के लिए भी क्या होगा, आर D22 का वैल्यू क्या होगा, आर डैश होगा। सिमिलरली D33 का वैल्यू कितना होगा, D33 का वैल्यू भी होगा हम लोग का आर ऑफ डैश। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप इन माइंड। अब एक एग्जांपल देते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब क्या दिया हुआ है एग्जांपल, गो कंडक्टर कंटेन अ 3 strands ऑफ रेडियस 2.5 mm, मतलब इसका रेडियस, ये जो गो कंडक्टर का स्ट्रैंड्स है इसका रेडियस कितना है, 2.5 mm दिया है। वाइल द रिटर्न कंडक्टर कंटेन 2 ऑफ द रेडियस 5 mm, मतलब रिटर्न कंडक्टर का ये जो कंडक्टर है, दो कंडक्टर, इसका रेडियस कितना है, 5 mm, और ये सब कंडक्टर का रेडियस कितना है, कितना स्ट्रैंड्स है इसका रेडियस कितना है, 2.5 mm। अब GMR सॉल्यूशन, अब GMR ऑफ द इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स इन द गो कंडक्टर आर डैश। तो GMR ऑफ द इंडिविजुअल स्ट्रैंड, मतलब ए बी और सी का GMR अगर हम लोग निकालेंगे, इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स का हम लोग निकालेंगे, तो क्या होगा, इट इज़ नथिंग बट आर डैश इक्वल्स टू होगा 0.778 × r। तो r कितना है, 2.5, तो हम लोग ने 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, 1.947 mm, और इसको हम लोग ने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या होगा, 0.001947 meter। तो हम लोग को पता है GMR कैसे निकालते हैं, GMR का ऑलरेडी हम लोग ने फॉर्मूला पीछे देखा, GMR हम लोग का कैसे निकलेगा। अब GMR हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि GMR मतलब एक पर्टिकुलर कंडक्टर के बीच में ही होगा,
मतलब एक ही इसी कंडक्टर के बीच में, मतलब गो कंडक्टर के जितने भी स्ट्रैंड्स हैं उसके बीच का दूरी निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ जीएमआर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब क्या है, टोटल टोटल कंडक्टर कितना है, 3 होता है। और जीएमआर का अगर हम लोग को फॉर्मूला याद है तो ये क्या होता है, अंडर स्क्रूट ऑफ एन स्क्वायर इंटू जो भी इसके इसके बीच का दूरी, इसके इसके बीच का दूरी, सिमिलरली इसके इसके बीच का दूरी, इसके इसके बीच का दूरी, सिमिलरली इसके इसके बीच का दूरी और इसके इसके बीच का दूरी, इसका अंडर रूट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, जी एम आर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो अब हम लोग का क्या है, एन क्या है, यहाँ पे एन क्या है, एन का वैल्यू है टोटल टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन दिस गो कंडक्टर इज हाउ मच, इट इज 3। दैट इम्प्लाइज हम लोग का 1/n² विल बी इक्वल्स टू 1/9। तो इस तरीके से यहाँ पे आया 1/9। अब ये जो टर्म, ये टर्म को हम लोग ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो फॉर्म कंडक्टर ए, अब विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्टर ए, मतलब इस पर्टिकुलर कंडक्टर में जी एम आर निकाल रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, सबसे पहले इसका होगा, अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डी ए ए इंटू डी ए बी इंटू डी ए सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हम लोग का डी ए ए कितना है, डी ए ए है आपका, मतलब डी ए क्या होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इट इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, आर डैश होता है। तो आर डैश का वैल्यू क्या होता है, आर डैश का वैल्यू कितना होता है 0.778 इंटू आर, तो आर था 2.5, उसे मल्टीप्लाई किया तो हम लोग का वैल्यू डी ए का वैल्यू कितना आया, दिस डी ए का वैल्यू कितना आएगा, दिस। तो दिस इंटू इंटू कितना होगा, अब यहाँ पे देखो फॉर्म डी ए बी, डी ए बी मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर। तो हम लोग का डी ए बी होगा 6 मीटर। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक फॉर्म हेयर टू हेयर डिस्टेंस कितना है, टोटल है 6+6 मतलब 12 मीटर। तो डी ए बी कितना होगा, 12 मीटर। होप यू हैव अंडरस्टैंड। सिमिलरली हम लोग का यहाँ पे क्या है, फॉर विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रैंड बी, तो स्टैंड बी के रेस्पेक्ट में कितना होगा, सबसे पहले इसका होगा क्या, डी बी बी इंटू डी बी ए इंटू डी बी सी होगा ऑब्वियसली। तो हम लोग का डी बी बी कितना है, ऑब्वियसली डी बी बी का वैल्यू क्या होगा, डी बी बी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग ने निकाला, सेम होगा दिस। और हम लोग का डी बी ए कितना होगा, डी बी ए हम लोग का 6 मीटर है और डी बी सी कितना है, 6 मीटर। तो हम लोग ने वैल्यू यहाँ पे पुट किया, इन दिस वे वी हैव गॉट दिस वैल्यू। अब सिमिलरली अगर हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रैंड सी करें तो क्या होगा, सिमिलरली क्या होगा, डी सी सी इंटू डी सी बी होगा इंटू डी डी सी ए डी सी ए। अब डी सी सी कितना है, डी सी सी का वैल्यू ये है, और डी सी बी कितना होगा, डी सी बी कितना है, 6 मीटर है, और डी सी ए कितना होगा, डी सी ए होगा 6+6 कितना होगा, 12। तो दिस मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, 12 मीटर, और होल ब्रैकेट 1/9। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को वैल्यू कितना मिलेगा, 0.4809 मीटर। सिमिलरली अगर हम लोग जी एम आर ऑफ द इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स इन द रिटर्न कंडक्टर, मतलब आप पहले हम लोग ने जी एम आर इसके लिए निकाला, अब जी एम आर अगर हम लोग इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आर डैश क्या है, 0.7788 इंटू आर, आर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आर दिया है हम लोग का रिटर्न कंडक्टर का दिया है 5 mm, तो 5 mm हम लोग ने लिखा, तो उसके बाद हम लोग ने इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो हम लोग को मिला 0.003894 मीटर। तो अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, अब इसका देखो, इस पूरे कंडक्टर, इस कंडक्टर के लिए हम लोग जी एम आर अगर निकालेंगे, जी एम आर इक्वल्स टू क्या होगा,
जी एम आर इक्वल्स टू अंडर रूट होता है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर होगा। और यहाँ पे हम लोग का कंडक्टर क्या है इसके इस पे पहले विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो क्या होगा डी 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 इंटू डी डी ई। इंटू इंटू कितना होगा इंटू अब विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्टर ई क्या होगा डी ई ई इंटू डी ई डी, अंडर रूट कितना है एन स्क्वायर। तो एन कितना है यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर टू है तो एन स्क्वायर कितना होगा, तो एन स्क्वायर कितना होगा एन स्क्वायर होगा आपका एन इक्वल्स टू टू है तो एन स्क्वायर कितना होगा फोर, एन स्क्वायर होगा आपका फोर। तो यहाँ पे अगर डी 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 का बोलूँ डी 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 का वैल्यू कितना होगा, डी डी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला हुआ है जो कि है आर डैश इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट दिस इंटू आर। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे डी डी का वैल्यू डी 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 ई कितना होगा सिक्स मीटर है यहाँ पे दिया हुआ है सिक्स मीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस। डी ई ई कितना होगा डी ई सेम होगा यही 0.7788 इंटू आर, आर कितना है 5 mm से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को जो मिला यहाँ पे जो मिला है ये वाला वैल्यू डी ई होगा। सिमिलरली डी ई डी कितना होगा डी ई डी होगा हम लोग इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर। तो ये जो है ये क्या आप लिया 1/4 अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिखे 4 ऑफ दिस पूरा टर्म को इनसाइड में लिखे तो दोनों चीज़ सेम है सो डोंट गेट कंफ्यूज। अब हम लोग क्या निकालेंगे नाउ द डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रैंड ए एंड ई दैट इज डी ए ई। डी ए ई अब इन दोनों के बीच का दूरी कितना होगा अगर हम लोग इन दोनों के बीच का हम लोग डी ए ई मतलब डिस्टेंस डी ए ई निकाल रहे हैं तो डी ए ई क्या होगा अगर हम लोग इसको इसको कनेक्ट कर दे इसको कनेक्ट कर दे और इसको कनेक्ट कर दे तो ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 6 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर हम लोग का 9 मीटर है तो हाइपोटेनियस कितना होगा हाइपोटेनियस दैट इज़ डी ए ई कितना होगा रूट ओवर होगा हम लोग का 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ऑब्वियसली ये होगा। सिमिलरली अगर हम लोग निकालें सी डी के बीच का डिस्टेंस अगर सी डी के बीच का डिस्टेंस निकालें तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं अगर हम लोग इसको कनेक्ट कर दे तो अगेन इट इज़ फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग हाइपोटेन्यूस कितना होगा हाइपोटेन्यूस होगा हम लोग का जैसे कि डी सी डी इज इक्वल्स टू रूट ओवर अब दिस प्लस दिस होगा टोटल इस साइड का लेंथ कितना है 12 मीटर तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। और अगर हम लोग सी और ई का बीच का दूरी हम लोग निकालें तो दिस इज़ नथिंग बट दिस विल बी इक्वल्स टू दिस क्योंकि अगर हम लोग इसको भी ड्रॉ करें तो यहाँ पे क्या है 9 मीटर ही रहेगा तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग को क्या आएगा रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल टू दैट ऑफ दिस बी डी के जिसका डिस्टेंस और सी ई का बीच का डिस्टेंस दोनों सेम होगा। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या निकाला हम लोग ने डी ए ई निकाला और डी सी डी भी निकाल लिया। तो डी ए ई का वैल्यू कितना है 10.81 मीटर और डी सी डी का वैल्यू निकला है 15 मीटर। नाउ जी एम डी फॉर द कॉन्फ़िगरेशन जी एम डी कितना होगा चलो हम लोग डायग्राम से खुद ही निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगर जी एम डी निकालें जी एम डी क्या होगा हम लोग को फॉर्मूला से याद है इट विल बी रूट ओवर क्या होगा एम एन होगा रूट ओवर कितना है सॉरी तो जी एम डी इक्वल्स टू रूट ओवर यहाँ पे क्या है एम एन
पीछे हम लोग का फॉर्मूला है, उसको हम लोग वो कर सकते हैं, फॉर रेफरेंस हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब जीएमडी क्या होता है, दोनों कंडक्टर के स्ट्रैंड्स के बीच का दूरी। तो पहले ए के रेस्पेक्ट में, अगर ए के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, डी ए डी इंटू डी ए डी इंटू डी ए ई। सिमिलरली बी के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो कितना आएगा, डी बी डी इंटू डी बी ई। ये होल अंडर रूट है। सिमिलरली अगर हम लोग सी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, डी सी डी इंटू डी सी ई। अब डी ए डी का वैल्यू कितना है, 9 मीटर है, तो हम लोग यहाँ पे नाइन मीटर डालेंगे। तो पाइथागोरस लगाने के बाद हम लोग का जो डी ए ई, डी ए ई कितना होगा, पाइथागोरस लगाने के बाद जो वैल्यू आएगा हम लोग, दैट इज नथिंग बट रूट ओवर 9² + 6² ये वाला वैल्यू इधर आएगा। सिमिलरली डी बी डी का वैल्यू कितना होगा, डी बी डी का वैल्यू कितना होगा, डी वी डी का वैल्यू कितना होगा, डी वी डी, डी वी डी का वैल्यू होगा हम लोग का सेम ही होगा ये 9² रूट ओवर 9² + 6² अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो। और डी बी ई का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा आपका टोटल कितना है, 9 मीटर, तो यहाँ पे आएगा 9 मीटर। उसके बाद इंटू डी सी डी का वैल्यू कितना होगा, डी सी डी का, डी सी डी का ऑलरेडी हम लोग ने निकाला था, डी सी डी का अगर पाइथागोरस हम लोग लगाएंगे तो हम लोग ने ऑलरेडी निकाला था, दैट इज़ नथिंग बट रूट ओवर 12² + 9² तो इसका वैल्यू यहाँ पे आएगा। और डी सी ई का वैल्यू कितना होगा, डी सी ई का वैल्यू होगा आपका ये वाला, अगर हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे इस पर्टिकुलर इसमें, तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, 9² + 6² तो हम लोग ने वही किया। तो हम लोग का क्या आया, टोटल आया 9 × 10.81 दैट इज डी ई, इसका वैल्यू जो है। उसी तरीके से हम लोग का क्या है, उसके आगे कितना है, 10.81 × 9 आया। सिमिलरली 15 × 10.8। और एम एन कितना है, हम लोग ने क्या लिखा था, एम एन 1/mn, तो एम कितना है, एम कितना है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन गो कंडक्टर इन 3 है, और इंटू यहाँ पे कितना, एन कितना है, नंबर ऑफ कंडक्टर इन दी रिटर्न पाथ इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 1/6। तो इस तरीके से ये 1/6 है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 10.74 मीटर, दैट इज द जीएमडी। अब इंडक्टेंस फॉर्मूला इन टर्म ऑफ जीएमडी कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला है, इसको हम लोग रिमेंबर करना है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ने ऑलरेडी सिंगल फेस लाइन का इंडक्टेंस हम लोग ने निकाला था, जो कि क्या होता है 2 × 10⁻⁷ डी ई, और यहाँ पे क्या है, डी एम बाई डी एस। डी एम क्या है, डी एम क्या है, स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर है, और डी एस क्या है आपका 0.7788 आर। तो ये दिस इज़ नथिंग बट जी एम डी एंड दिस इज नथिंग बट जी एम आर। सिमिलरली सिंगल सर्किट ऑफ 3 फेज लाइन के लिए हम लोग का क्या होगा, इट इज़ 2 × 10⁻⁷ लॉग ई डी एम बाई डी एस, डी एम बाई डी एस। तो यहाँ पे क्या है, डी एम अनसिमेट्रिकल के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला था, दैट इज़ नथिंग बट डी एम इज इक्वल टू डी वन डी टू डी थ्री और ब्रैकेट क्लोज 1/3, और डी एस का वैल्यू कितना होगा 0.7788 आर। नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल, यहाँ पे क्या दिया है, थ्री कंडक्टर ऑफ 3 फेज लाइन्स आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल ऑफ साइड्स 2 मीटर 2.5 मीटर और 4.5 मीटर। कैलकुलेट द इंडक्टेंस पर किलोमीटर ऑफ द लाइन व्हेन द कंडक्टर्स आर रेगुलरली ट्रांसपोज्ड।
द डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर इज 1.24 सेंटीमीटर. तो क्या बोल रहा है, थ्री फेज लाइन है आर अरेंज्ड एट अ कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल. तो हम लोग कंडक्टर ए, कंडक्टर बी और कंडक्टर सी अरेंज्ड इन द कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल, एट द कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल. तो ये दो कंडक्टर के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है. सिमिलरली इन दोनों के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है, 2.5 मीटर दिया हुआ है. और सिमिलरली इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 4.5 मीटर. और इसका रेडियस, इन सब सब कंडक्टर जितने भी कंडक्टर हैं इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 1.24 सेंटीमीटर. ये अगर हम लोग का कंडक्टर वन है, ये है टू, ये है थ्री. तो ऑब्वियसली इन फॉर्म फिगर वी कैन सी डी वन टू कितना है, 2 मीटर है. डी टू थ्री कितना है, डी टू थ्री है आपका 2.5 मीटर. और डी थ्री वन कितना है, डी थ्री वन है आपका 4.5 मीटर. और कंडक्टर रेडियस कितना दिया हुआ है, 1.24, सॉरी कंडक्टर डायमीटर दिया हुआ है, ये सॉरी कंडक्टर डायमीटर दिया हुआ है 1.24 सेंटीमीटर. तो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर डिवाइडेड बाई टू, तो हम लोग को मिलेगा 0.62 सेंटीमीटर. अब इक्विलेटरल स्पेसिंग डी ई क्यू कैसे देते हैं, इट इज़ नथिंग बट D12 into D23 into D31, इसका 1/3 होगा. बिकॉज थ्री कंडक्टर्स आर देयर सो इट विल बी 1/3. तो अगर हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो डी इक्विवेलेंट क्या निकला, इक्विलेटरल स्पेसिंग कितना निकला, हम लोग का निकला है 2.82 मीटर. अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में करेंगे तो 282 सेंटीमीटर निकलेगा. और इंडक्टेंस पर फेस पर मीटर का हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या है, 2 × 10⁻⁷ होता है, इंटू कितना होता है, 1/4 प्लस log base e डी ई क्यू बाई यहाँ पे r होगा. तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे खाली वैल्यू पुट करना है. वैल्यू पुट करने के बाद r का वैल्यू है ये यहाँ पे पुट किया, डी ई क्यू का वैल्यू कितना है ये वाला है, और 1/4. हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 12.74 × 10⁻⁷ हेनरी. और इंडक्टेंस यहाँ पे हम लोग को क्या पूछ रहा है, इंडक्टेंस पर किलोमीटर पूछ रहा है. तो ये हम लोग यहाँ पे पर मीटर निकला है, यहाँ पर किलोमीटर अगर निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे. तो हम लोग को क्या कितना मिला, 1.274 मिली हेनरी. तो अगर इंडक्टेंस पर फेस का यहाँ पे हम लोग फार्मूला देखें, इस फार्मूला के जगह में हम लोग ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं. बोथ आर सेम थिंग सो डोंट गेट कंफ्यूज. होप आपको सब समझ आया होगा. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.